बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी गांव में एक बंदा था, उसकी बड़ी खूबसूरत और नस्ली भैंसें थी। अक्सर रात को एक चोर उसकी हवेली में भैंसें चोरी करने की नीयत से आता, लेकिन वहां पर कुछ ना देख पाता। लेकिन सुबह जब उसकी हवेली में जाता तो भैंसें वहीं मौजूद होती। वो ये देखकर बड़ा हैरान होता। एक दिन उस चोर ने भैंसों के मालिक से हैरान होकर पूछा, तुम्हारी भैंसें बिल्कुल महफूज हैं, चोरी नहीं होती। गांव में तो अक्सर लोगों की चोरियां होती हैं और जानवर लोग ले जाते हैं। ये सुनकर भैंसों के मालिक ने कहा कि मैं आयतल कुर्सी पढ़कर चारों कोनों में फूंक देता हूँ। इसी तरह अपने माल असबाब पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक दें तो कोई भी कीमती चीज कभी भी चोरी ना होगी। लेकिन शर्त ये है कि ये अमल पूरे यकीन के साथ किया जाए, क्योंकि